चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल। तो फील ना इन हमारे घर मोटे पेट वाला चोर और पतली छिपकली आए, एम्बुलेंस बुलवाओ फौरन। पापा मेरा बच्चा। What a lovely surprise पापा। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। पुत्र ये चोर तेरी बीवी का बाप है कफील? ओ माँ जी, ये शक्ल से चोर लगते हैं, चोर है नहीं, ये मेरे प्यारे दुलारे, मेरी आंखों के तारे हैं। पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी। नहीं पापा, आप मुझे परेशान लग रहे हैं। बस बेटा क्या बताएं, उस कमबख्त तबाब की वजह से हमें रातों रात अब तक घर छोड़ना पड़ा। बस कर दें, आप तो मेरे मासूम से भाई के पीछे ही पड़ गए, अब इतना बड़ा भी कोई गुनाह नहीं किया उसने। अरे हमें भी तो बताओ भाई, आखिर हुआ क्या है? अरे होना क्या है, वो कमबख्त मेरा जो साला है, वो पता नहीं कितने अरसे से मेरे घर में मनशियात का कारोबार कर रहा था, वहीं से सारी ड्रग सप्लाई करता था लोगों को। अब पुलिस का छापा पड़ गया, मेरी इज्जत हाथ में मिल गई। हम तो अपनी इज्जत बचा के वहां से निकले, बड़ी मुश्किल से मैंने अपना नाम उस इंक्वायरी से निकलवाया, यहाँ पहुंच गया बेटा सीधा। पापा जी कहीं आपके पीछे पुलिस तो नहीं पड़ी हुई यार, खुदा का वास्ता। वैसे पापा जी एक बात बताऊं, बड़ा ही मुजरमाना और खतरनाक किस्म का ससुराल है आपका, आपकी बेटी की तरह हर एक को नेक शरीफ ससुराल तो नहीं मिलता ना जी। तो आप लोग कहाँ रहेंगे भाई? कहाँ से क्या मतलब, अब यहीं रहेंगे कुछ अरसे तो। अरे यहाँ कैसे रहेंगे भाई, ऊपर वाला पोर्शन जो है ना वो तो मुश्ताक साहब ने बंद करके रखा हुआ है, और यहाँ लाउंज में अगर आप लेटेंगे तो बड़ी तकलीफ होगी आपको। हम क्यों लाउंज में सोएंगे भाई, ये लोग सोएंगे, चलो हम अंदर बेडरूम में सोएंगे। चलो बबलू। हाँ पापा आप अंदर आराम से जाकर सो जाए, मैं हेल्प करूं। नहीं नहीं नहीं। अच्छा मोमो, अरे आओ हम अपने बेडरूम में चले, हम पे भी ना कोई मुसीबत आ जाए। आ जाओ महमूद साहब, महमूद साहब, महमूद साहब मेरी बात तो सुने। ओए लॉक ना कीजिएगा दरवाजा, मैंने बाथरूम जाना होता है। भाई मुझे तो ये घर बहुत अच्छा लगता है, कितनी बार कहा एक अच्छा सा बड़ा सा कराची में सी फेसिंग बंगला ले दो मुझे। सी फेसिंग बंगलो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अच्छा तो एक काम करते, इसी घर में डेरा डाल लेते, और तुम्हारे इस बेटी के निकम में ससुराल को तो मैं धक्के दे के बाहर निकाल दूंगी। कमाल कर रही हो तुम, मतलब परेशानी से मैं पागल हो रहा हूँ और तुम्हें यहाँ सेटल होने की पड़ी हुई है। अरे तुम्हारे भाई की वजह से मैं अपनी बेटी के घर में पड़ा हूँ। अरे कौन सा कत्ल वतल कर दिया है जो इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो, बस जरा सी ड्रग्स बेची थी बेचारे ने। जरा सी ड्रग्स? अरे इतने अरसे से मेरे घर में वो ड्रग्स का कारोबार कर रहा था। हाँ तो मेहनत कर रहा है, कौन सा तुम्हारे निकम में दामाद की तरह तुम्हारे सर पर बोझ बन के पड़ा हुआ है। कमाल कर रही हो, बदनामी हो गई, घर में पुलिस आ गई, किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना तुम, तभी भी सर उठा के नहीं चल सकूंगा। क्या बबलू क्या टेंशन ले रहे हो, मोहल्ले में इज्जत बढ़ गई है हमारी, रौब और दबदबा ही अलग है, चलते फिरते लोग तो हमें सलाम ठोकेंगे। सलाम नहीं ठोकेंगे, थूकेंगे। कोई इज्जत बाकी नहीं छोड़ी तुम्हारे भाई ने मेरी, सालों की मेहनत पे पानी फेर दिया। चुप चुप करके सो जाओ, खबरदार जो मेरे मासूम से भाई के बारे में कुछ बोला तो। निराली, निराली। चुप। वैसे आपस की बात है जानू, तुम्हारे घर वालों को आज तक दामाद को इज्जत देना नहीं आई। किस बात की इज्जत दे तुम्हें नबी, तुमने आज तक एक रुपया भी कमा के मेरे हाथ में रखा है कभी? अरे जानू मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं एक रुपया कमाऊं, मैं जब भी कमाऊंगा 10-15 लाख कमाऊंगा और तुम्हारे हाथ में रखूंगा, अपने हाथों को मजबूत कर लो। अच्छा कब? डेढ़ नहीं दे सकता जानू कोई भी, जब भी तुम्हारे पापा जी जो है वो मुझे मेरा हिस्सा देंगे। तुम्हारा कौन सा हिस्सा है उनकी जायदाद में? तुम्हारा हिस्सा मेरा ही हिस्सा है जानू। शट अप बेल, इट्स नॉट ओके। मुझे सख्त सोफे पर नींद नहीं आनी यार, अपने अकलौते दामाद को इस सोफे में जोड़ दिया और खुद मेरे बेड पे कब्जा कर लिया यार, काश मैं तुम्हारे बाप की जायदाद पर इसी तरह कब्जा कर सकता। ये घर पापा के पैसों पे चलता है नबीर, इसलिए बेडरूम भी उन्हीं का है, चुपचाप इस सोफे पे सो जाओ, ज्यादा गुस्सा ना दिलाना वरना लॉन में जाके सोना पड़ेगा। जब तुम एक जालिम और बेहिस बाप की एक बेहिस और जालिम बेटी हो, तुम्हें एक गरीब शौहर की बद्दुआ लगेगी, बद्दुआ। मुझे नींद आ रही है नबील, प्लीज तुम अपना मुंह बंद रखो। जानू तुम्हें तो पता है मेरे जाना अंदाज का जानू, जब तक एसी 16 पे ना चल रहा हूँ मुझे नींद नहीं आती जानू। अच्छा तो ऐसा करो जाके माजी और महमूद साहब के साथ सो जाओ। कोई ना जाओ महमूद साहब के साथ में, जिस जात के वो खराटे लेते हैं अल्लाह माफ करे, ऐसे लगता है फैक्ट्री में सोए हुए हैं यार।
देगी साहब। मुझे कुछ बेचैनी सी हो रही है। अरे तो डॉक्टर को बुलाए ना, मेरे पास क्यों आ गए आप? नहीं, मैंने सोचा आप जाग रहे होंगे तो आप मुझे थोड़ी कंपनी दे देंगे ना। अरे मेरे पास तो कोई कंपनी नहीं है, बल्कि एक काम करें आप अपनी कंपनियों में से ना एक आध कंपनी मेरे नाम कर दें। अरे मेरा मतलब है हम कुछ देर बैठ के बात कर लेंगे ना। मेरा आधी रात के वो खूबसूरत लड़कियों के अलावा ना किसी और से बात नहीं करता। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है आज, आज मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है, मेरा दिल बहुत परेशान है, मेरा रोने को दिल कर रहा है। तो एक काम करे ना आप, ये सामने निकले घर से बाहर, वो जो गली है ना उधर उसके दाएं मुड़ जाइएगा, वहां सामने ढेर सारी बिल्लियां कुत्ते बैठे ना इस वक्त रो रहे होते हैं, आप भी उनके साथ जाके बैठ के ना रोए। अरे मगर मेरी बात तो सुने आप, मैं ये अरे मैं क्या करूं, मेरे अल्लाह कोई मेरी बात नहीं सुनता। अरे कोई है? क्या है मोटे पेट वाले अंकल, क्या मसला है? मुझे ना नींद नहीं आ रही, बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे। तो थोड़ा सा जहर खा के मर जा। आप कैसी बात कर रही है? मैं प्राय मर्दों से ऐसी ही बात करती हूँ। हाँ। भाई मैं आपका समधी हूँ। भाई सदाकत, आप जिंदा हो गए? मैं सदाकत नहीं हूँ, मैं सदीकी हूँ, खूबसूरत का बाप। ओहो तो शकीला का बाप है, जा जाके अपनी बेटी को उठा। मेरी बच्ची तो अभी थक हार के सोई होगी, उसको क्यों आप उठाती हैं? आप ऐसा करें थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाइए, हम आपस में कुछ बातें कर लेंगे, दिल हल्का हो जाएगा मेरा। चुप है, तेरे बेटी दामाद आराम से सो रहे हैं, जाके उनको उठा। हुश हुश हुश। यार इतना प्यारा ख्वाब देख रहा था, ख्वाब में बस आप जायदाद जो है वो मेरे नाम करने वाले थे। क्या वो यार बाबा जी ख्वाब था यार, आप इतने सीरियस क्यों हो रहे हैं? अच्छा बताएं यार मसला क्या था भाई? मुझे नींद नहीं आ रही नवीन। तो पापा जी मैं क्या करूं, आपको लोरी सुनाऊं? पापा जी मैं साफ साफ बता रहा हूं, मैं कम से कम 5,000 रुपया लूंगा लोरी सुनाने का यार। अरे मुझे लोरी नहीं सुननी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे लग रहा है कोई कयामत आने वाली है। पापा जी फिर जायदाद सारी मेरे नाम करें ना, मुझे लगता है आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है यार। अरे उस सवाब ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, बड़ी बेइज्जती हुई है नवीन। पापा जी मुझे एक बात बताएं, इतना खतरनाक और मुजुर्माना खानदान, आपकी शादी किस अहमद ने कराई थी उसमें? तुमने? याद आ गया पापा जी, वो मैंने ही कराई थी। पापा जी इस बार अगर आप कहें और चाहें तो मैं कोई शरीफ खानदान ढूंढूं आपकी शादी के लिए। अरे नहीं नहीं, निराली मुझे जान से मार देगी, नहीं करनी शादी मुझे। ओ यार पापा जी शादी भी नहीं करनी है आपने, वसीयत भी नहीं करनी, लेकिन मेरी नींद खराब करनी है। ओ यार जाए जाके सोए यार। यार मुझे बड़ी टेंशन हो रही, टेंशन से गैस हो रही है। ओ तो पापा जी मैं क्या करूं यार, अल्लाह खैर करे इस घर की यार। ओ जाए यार मुझे भी सोने दे, जाए अंदर जाके सोए यार, जो करना है कमरे में करे, जाए प्लीज प्लीज जाए। पापा जी जाए यार, खुदा का वास्ता यार, गर्मी में लेटा हुआ ऊपर से आके बार बार तंग कर रहे हैं यार। चल यार चल उस पार, चल दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार, चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, जा।
सामने आज नहीं है बस तेरा कलह। पैरों को जमाए चलता जा कोई आए जाए चलता जा और बबल फुलाए चलता जा कोई आए जाए चलता जा। बबलू अरे कब से रो रही हूँ, कोई तो कम बखत आ जाओ मेरे बबलू। क्या हुआ है भाई, क्यों रो रो के मेरे पापा की नींद खराब कर रही हो तुम? तुम्हारे पापा के लिए ही बैंड डाल रही हूँ, मेरा बबलू मर गया। क्या ओए शाबाश, लगता है खुराक ज्यादा हो गई है। कौन सी खुराक भाई? लगता है जहाज में ना कुछ गला सड़ा खा लिया होगा इन्होंने। हाय मेरे पापा जी, मेरे पापा जी को नवाब का सदमा ले बैठा, वही इनकी मौत का जिम्मेदार है जानू। मेरे बेचारे भाई को फालतू इल्जाम मत देना। मुझे तो लगता है यहाँ बड़ी वो हुई है। वो क्या माँ जी? वो जो मेरी बहू मेरे लिए करती रहती है। माँ जी दुआएं दुआएं। चुप है, ये डैन मेरे लिए क्यों दुआएं करेगी, ये तो मेरे लिए साजिशें करती रहती है। हाँ साजिश, यहाँ कोई बहुत बड़ी साजिश हुई है। अरे कैसी साजिश मोमो? इसके पापे की कत्ल की साजिश। कत्ल? मामा जी क्या कह रही हैं आप? हाँ ना पुत्र देख, मेज पे तीन तीन गिलास रखे। अरे निराली जी, आपने हमें बताया ही नहीं कि सदीकी साहब पीने पिलाने के भी शौकीन थे। क्या बकवास कर रहे हो, मेरे बबलू पानी के सिवा कुछ नहीं पीते थे। हाँ तो हो सकता है किसी ने पानी में कुछ मला के पला दिया हो। क्या जानू, तुम माँ जी की बातों को छोड़ो जानू, तुम अपने आप को संभालो और पापा जी के लिए दुआ करो, अल्लाह इनके गुनाह बख्शे, बहुत सारे गुनाह थे इनके। मैं मुंह साफ चले यार, पापा जी की आखिरी रसूमात के लिए लकड़ियां इकट्ठी करें यार। अरे हमने इन्हें जलाना नहीं है, दफनाना है। मेरा मतलब है यार तैयारियां करें। हाँ ठीक है, चलो भी मोमो चलो। नहीं मैंने अपने शकूर को छोड़ के कहीं नहीं जाना। अरे कौन शकूर भाई? ये शकूर जिनकी मैं अभी अभी ताजा ताजा बेवा बनी हूँ। अरे बबलू की बेवा मैं हूँ? झूठिए, मैं हूँ उसकी बेवा, ब्लड टेस्ट करा लो। यार माँ जी जब महमूद साहब मरेंगे तब आप बेवा बनेंगी, इनकी अभी जिंदा है यार ये। ओ चले यार आप तो चले, चले यार इंतजाम करे मेरे पापा जी। यार नबील वैसे तो तुम बहुत ही टिढ़ बोले हो, लेकिन मैं ना तुम पे भरोसा करके तुम्हें ये बात बता रहा हूँ, किसी को बतानी नहीं है। असल में ना मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी। ओ भाई क्या हो गया ऐसा बताएं तो? वो ना राज सदीकी साहब ना बहुत तंग कर रहे थे, तो मैंने ना उन्हें नींद की दो गोलियां दे दी थी। क्या महमूद साहब? यार पापा जी को मैंने भी दो गोलियां नींद की दे दी थी रात को। क्या हुआ माँ जी, आप क्या सोच रही हैं? उधर गोलियां तो मैंने भी पापे जी को दी थी, पर याद नहीं आ रहा कि कितनी गोलियां थी। माँ जी इसका मतलब ये है कि पापा जी की मौत के जिम्मेदार हम तीनों हैं? हाय हाय जमील, मुझे फांसी पे नहीं चढ़ना। ओ यार माँ जी आप क्यों चढ़ेंगी फांसी यार, महमूद साहब के होते हुए आप पर कोई आंच नहीं आएगी, महमूद साहब अपने सर ले लेंगे ये। मैं क्यों फांसी पे अकेला चढ़ूं भाई, तुम दोनों भी बराबर के कसूरवार हो, तीनों जेल जाएंगे। ओ महमूद साहब कैसी बातें कर रहे हैं यार, आप बड़े हैं यार, आप पे जिम्मेदारी ज्यादा है, क्या थोड़ी सी फांसी ले लेंगे तो। प्लीज आप फांसी चढ़ जाए ना, चढ़ जाए ना फांसी। मैं अकेला फांसी पे नहीं चढ़ूंगा, तुम दोनों भी मेरे साथ फांसी पे चढ़ोगे बस। अरे रे रे, कोई नहीं चढ़ेगा यार फांसी, बस एक काम करो थोड़ा सोचो, अपने अपने कोनों में जाओ और सोचो। हाय बबलू, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते बबलू, अब कौन मेरे लाड उठाएगा, कौन मेरे हुस्न की तारीफ करेगा, रात को सोने से पहले अब मेरे पैर कौन दबाएगा? पापा तुम्हारे पैर दबाते थे? हाँ कभी कभार तुम मेकअप भी कर दिया करते थे। बबलू मैं अब इतनी जायदाद और दौलत का क्या करूंगी तुम्हारे बगैर? तुम थोड़ी देर चुप नहीं हो सकती? मेरे पापा चले गए और तुम्हारी बातें खत्म नहीं हो रही, जाओ यहाँ से। अरे वाह, मैं क्यों जाऊंगी, ये घर मेरे बबलू के पैसों से चलता है और अब ये घर मेरे पैसों से चलेगा। बल्कि जब बबलू की तदफीन हो जाए ना तो तुम लोग यहाँ से दफा हो जाना और ये घर खाली कर देना। मेरे बबलू ने आखिरी सांसें ली है, अब सारी जिंदगी मैं यही रहूंगी उसके घर में। हम घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? वो तुम्हारा मसला है, यहाँ तो बस बबलू की बेवा रहेगी। बबलू
सुनो, तुम्हारे पास एक अच्छी सी सफेद शिफॉन की साड़ी होगी जिसका हल्का सा काम वाला बॉर्डर हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, सफेद शिफॉन की साड़ी पहनोगी तुम, और साथ में मोतियों का कोई नाजुक सा हार हो ना तो वो भी दे देना। मेरे बबलू को मैं तैयार हमेशा सजी धजी अच्छी लगती थी, अब उसके रुखसत के वक्त तो मैं ऐसी नहीं रह सकती ना, सजा धजा ही रहना पड़ेगा। तुम दो घड़ी चुप नहीं हो सकती, बाबा के लिए अफसोस भी नहीं करने दे रही हो। आ गया माँ जी, आ गया। ओ, कौन आ गया पुत्र? अरे आइडिया आ गया माँ जी, ऐसा आइडिया, एक तीर से दो दो शिकार होंगे, दो दो। पर पुत्र मुझे तो तीर चलाना ही नहीं आता। हाँ पिस्तौल चलाओ लू। ओ माँ जी मेरी बात तो सुने, हम पापा जी की मौत का इल्जाम सारा का सारा निराली बिड़ा दो। अरे भाई इतनी जवान और खूबसूरत लड़की को भरी जवानी में मैं फांसी चढ़ते नहीं देख सकता ना। हाँ तो आप चढ़ जाए फांसी पर प्लीज। वो यार देखे ना, पापा जी की मौत का सबसे ज्यादा फायदा किसको है? निराली को। और यही बात हमने खूबसूरत को समझानी है। अरे वाह क्या आइडिया, तो चलाओ ना फिर खूबसूरत को बताएं चल के। कहाँ थे आप लोग? वो निराली कब से उल्टी सीधी बातें कर रही है? जानू हम लोग पापा जी की आखिरी रसूमात की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले हम पापा जी के कातिल को सजा दिलवा कर रहेंगे। जी कातिल? क्या मतलब है, मेरे पापा का कत्ल हुआ है? किसने किया कत्ल? हम तीनों ने। माँ जी क्या? जानू माँ जी के कहने का मतलब यह कि हम तीनों ने कसम खाई है कि जब तक पापा जी को इंसाफ नहीं दिला लेते हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। किसने मारा मेरे पापा को? नबी निराली ने। हाँ देखना किस तरह तीन तीन गिलास जहर दे के मारा है तेरे पापा को। भाई बड़ा जुल्म किया इस दीवानी ने। मुझे तो लगता है कि पापा जी की जायदाद हथियाने के चक्कर में उसने कत्ल किया। हाँ मैं मुसाफ, लेकिन मैं पापा जी को इंसाफ दिलाऊंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पापा जी विल बी मिस्ड पापा जी। अरे बस क्या बताऊं, फिर से बेवा हो गई मैं। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, इस बार बड़े आदमी की बेवा बनी हूँ। हाँ हाँ दुबई चलेंगे घूमने, बस एक बार रिहा होने दो नवाब को। तीनों बहन भाई अय्याशिया ही अय्याशिया करेंगे, बड़ी दौलत छोड़ के गया बुढ़ा। मैं बाद में बात करती हूँ तस्लीम के पास। निराली मेरा बबलू मुझे छोड़ के चला गया और इतने बड़े घर में मैं अकेले कैसे रहूंगी? तुम अब घर में नहीं जेल में रहोगी। जेल? जेल में क्यों? क्योंकि तुमने हमारे पापा जी का खून किया है। और क्या? क्या? नहीं 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 नहीं, मैंने बबलू को नहीं मारा। सदीकी साहब को लाहौर से कराची कौन लेके आया? सदीकी साहब के साथ इस कमरे में कौन रहा? और सदीकी साहब के मरने के बाद सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? तुम्हें। शाबाश शाबाश, सारे सबूत और हम तीन गवाह तेरे खिलाफ है अल्हम्दुलिल्लाह। नबील प्लीज पुलिस को फोन करो। मैंने कुछ नहीं किया, अरे कसम से मैंने बबलू को नहीं मारा, मैंने कुछ भी नहीं किया। फिक्र मत करें अम्मी जी, पुलिस से कह कर ना आपको लाहौर में जेल करवाएंगे ताकि आप और आपका भाई इकट्ठी सजा काट सके। चलो नबील पुलिस को फोन करते हैं। चल चले आओ। ए निराली ये तो सारी बाजी उल्टी पड़ गई। अरे माँ जी मेरा यकीन करें, मैं बेकसूर हूँ। मैं तुझे जानती हूँ, तू बड़ी वो है। वो क्या? वही जो मेरी बहू भी है। खूबसूरत? खूबसूरत तो मैं हूँ, वो तो बड़ी मकार। हाँ हाँ मकार, तू बड़ी मकार है बच्चू। माँ जी मैं कसम खा रही हूँ मैंने बबलू को नहीं मारा। हाँ हाँ वो तो मुझे मालूम है पहले। वो कैसे? क्या हूँ कि तेरे बबलू को तो हमने मारा, गोलियाँ दे दे के बड़ा मजा आया था। अच्छा बेटा तो तुम लोगों ने अपना किया मेरे सर डाल दिया। अभी बता दियो तुम्हारे बड़े मुंह वाले शोहर और छोटी टी शर्ट वाले निकम्मे बेटे को। पहले मैं किचन से जरा कुछ ले लूं। हटो यहाँ से। ओए झूला रोको। ओ भाई झूला रोको। यार महमूद साहब मैंने बड़ा गौर और फिक्र किया। हाँ कभी कभी करते हो तुम। हाँ मैं करता नहीं, मुझसे गौर और फिक्र हो जाता है। देखिए ये जो मालिक चाह रहा है ना वो ये चाह रहा है ऊपर वाला कि हमारे घर में पैसे की रेल फेल हो।
वो जो हमारे घर में होगी वो पैसे की रेल पेल होगी। मैं मैंने सोचा ही है क्या के पापा जी की तदफीन के बाद हम लोग अमेरिका शिफ्ट कर जाएंगे, है ना, और स्वयं पापा जी का वहाँ करेंगे और गोरे फकीरों को डॉलर बांट देंगे। अच्छा, तो मेरे शोहर की दौलत तुम गोरे फकीरों में उड़ाओगे? तुम पापा जी की कातिल बाहर कैसे आ गई हो? हमने तो माँ जी को तुम्हारे पैरों पे खड़ा किया। हाँ, और तुम्हारी माँ जी ने सब उगल दिया, बबलू को गोलियाँ दे दे के मारा और इल्जाम मेरे सर पर डाल दिया। देखो ये मामला यही निपटा लेते हैं, पुलिस का चक्कर वक्कर खत्म करो, जायदाद 50-50 कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, कोई डील नहीं होगी। अरे डील तो हमने की थी तुमसे शादी के बाद और तुम सारा ही हड़प कर गई। अरे अब आया पहाड़ ऊंट के नीचे, अब कोई डील नहीं होगी बीबी, कोई डील नहीं होगी। तो ये तुम लोगों का आखिरी फैसला है? बिल्कुल। चलो चलो जेल जाने की तैयारी करो। ठीक है, जब जेल जाना ही है तो तुम दोनों का खून करके क्यों ना जाऊं मैं? अरे पागल हो गई, मेरा बच्चा ना, बस बस चुप कर ना। 2 सीसी पानी है तेरे अंदर, वो भी आंसुओं में निकल जाए, जो होना था हो गया। चल अब पिज्जा मंगा ले ताकि अब्बे जी का खत्म कराए। जानू मुझे बचा लो, ये देखो जानू निराली जो है ना पापा जी के आखिरी और अकलौते वारिस को भी खत्म कर देना चाहती है। खबरदार जो मेरे पुत्र को कुछ कहा, इस बड़े मुंह वाले को बेशक काट के फेंक देगी। अरे मोमो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ भाई, तो अल्लाह और देगा भाई, ऐसा तो नहीं मिलेगा ना। सारी भाई साहब मैं भूल गई थी। खबरदार जो कोई अपनी जगह से हिला दो। इंस्पेक्टर साहब अच्छा हुआ आ गए, गिरफ्तार कर ले इसे, इसी ने मेरे पापा को मारा है और मुझे मारने की कोशिश कर रही है। और ये मुझे दे। अरे ये क्या हो रहा है ये? पापा जी देखा जानू मेरी दुआओं में कितना असर है, पापा जी मौत के मुंह से तकरीबन वापस आ गए। क्या कर रहे हो, निराली का हाथ छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हो उसको? तो देखो ना बबलू, तुम्हारी निराली को इन लोगों ने कैसे फंसाया है, तुम्हारे कत्ल के इल्जाम में मुझे फंसा दिया। मैं तुम्हारे साथ भला ऐसा कर सकती हूँ बबलू? अरे क्या फजूल बात कर रहे हो तुम, छोड़ो उसको, इसने कुछ नहीं किया, बड़ी बड़ी प्यारी बीवी है वो। लेकिन पापा वो जो 3 ग्लास आपके सिरहाने रखे थे वो? अरे बेटा वो 3 ग्लास जिसने थोड़ी दिए थे मुझे, वो तो इन तीनों ने दिए थे, पता नहीं क्या मिलाया था उस पर इतनी देर तक सोता रहा मैं। अच्छा छोड़ो पापा जी, आप सही सलामत है, केस ही कोई नहीं बनता। इंस्पेक्टर साहब आप जाएं। ऐसे कैसे केस नहीं बनता? तुम तीनों ने मेरे शोहर को मारने की साजिश की थी। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लें तीनों को। चलो भाई तुम तीनों थाने मर्डर अटेम्प्ट किया है तुम लोगों ने, लंबे अंदर जाओगे लंबे। चल यार चल, सवार चल।